दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है जो थर्ड काउंसलिंग का जो कॉलेज अलॉटमेंट कहा जाए या सीट अलॉटमेंट कहा जाए उसका रिजल्ट जो है कल शाम को आपके बीच में जारी कर दिया गया है। अगर देखा जाए लगातार जब से आपके रिजल्ट जारी हुए हैं आपके कुछ कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां कुछ आपके लिए आंकड़े लिखे गए हैं। आप लगातार मांग कर रहे थे कि भैया जो पीएनपी का आंकड़ा है कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने लोगों ने क्या कुछ कैसे किया, एक बार फिर से रिवीजन किया जाए। तो बिल्कुल उसी के संदर्भ में यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कुछ आंकड़े आपके बीच में लिखे जा रहे हैं। यूपी डीएलएड एडमिशन 2023, आपको पता है बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस चल रहा था वह केस जब से समाप्त हुआ था जो डीएलएड का क्रेज है वो पूरी तरह से बढ़ा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आवेदन बहुत ज्यादा हुए, आवेदन के सापेक्ष जो एडमिशन की प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल ना के बराबर है। यानी कहने का सेंस यहां देखिए कहा जा रहा है डीएलएड का क्रेज बढ़ने से एडमिशन की स्थिति गड़बड़। ठीक है, मैंने आपसे कहा डीएलएड की क्रेज जो है वो भले ही बढ़ गई लेकिन जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो फिर से एक बार शिथिल पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके पीछे कारण क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। यहां देखिए पीएनपी के कुछ आंकड़े आपके बीच में लिखे जा रहे हैं, इन आंकड़ों पर एक बार आप ध्यान देंगे। जो पहले काउंसलिंग आपकी हुई थी 1 से 20,000 रैंक तक, इसमें जो है 9,639 अभ्यर्थियों का जो कॉलेज अलॉटमेंट था या कहा जाए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था वो घोषित किया गया था। अब आप कहेंगे कि 20,000 तक की काउंसलिंग में इतने लोगों कॉलेज अलॉटमेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि सब लोगों ने जो है काउंसलिंग कराया था या सब लोग जो है फीस 5,000 रुपए का पेमेंट किए थे, ऐसा नहीं था। इसमें से कुछ लोगों ने 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया था, कुछ लोगों को कॉलेज नहीं मिला, ये सारी समस्याएं देखने को मिले। लेकिन इनके सापेक्ष यहां 449 फॉर्म ऐसे थे जो पूरी तरह से जो पीएनपी के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है, यहाँ आप इन आंकड़ों को एक बार देखेंगे, यहाँ आपके बीच में 94,52,33,53 व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर अवगत करा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप का प्रयोग जो है आप अधिकतर करें, कॉल्स आते हैं क्षमा चाहेंगे रिसीव थोड़ा सा कम हो पाता। ठीक है, और यहाँ मैं आपसे बताना चाहूँगा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें भी आपके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। आपका आपके परीक्षा को टारगेट किया जाता है ये हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है, बहरहाल आपसे जो सीनियर होंगे आप जब जाएंगे विद्यालय में तो वहां पर पूछेंगे तो खुद ब खुद जो अंतर है वो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यहां से नोट्स। आप डेमो की बात कर रहे थे, डेमो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, खुद ब खुद आप कहीं जाएंगे नहीं, ये मेरा चैलेंज है। मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके हर कदम पर साथ निभाऊंगा, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करें, आपके लिए नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप नंबर के माध्यम से संपर्क करें व्हाट्सएप पर। ठीक है, हर एक स्थिति परिस्थिति में आपके साथ हम खड़ा मिलेंगे। बहरहाल ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए इन चीजों को आप समझ गए, हम बात कर रहे थे सेकेंड काउंसलिंग का। सेकेंड काउंसलिंग जो आपकी चल रही थी वो 20,000 से 80,000 रैंक तक सेकेंड काउंसलिंग आपकी चल रही थी, लेकिन इन 20,000 में यहां देख पा रहे हैं जो है 22,685 लोगों का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो जारी किया गया। ठीक है, 22,685 अभ्यर्थियों का, जिनमें से 706 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी पहले चरण में 449, दूसरे चरण में 706। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड काउंसलिंग की, जो कि अभी कल आपका रिजल्ट आया है। 80,000 से 1.5 लाख तक की काउंसलिंग चल रही थी जिसमें 28,517 अभ्यर्थियों को कॉलेज मिला, बाकी 1,373 फॉर्म जो है ये सेम इन्हीं की तरह रिजेक्ट कर दिया गया। अगर इन आंकड़ों को एक बार देखा जाए
तो टोटल जो है 61,841 फॉर्म जो है अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल चुका है डायट और प्राइवेट साथ में, ठीक है। और यहाँ 2528 यानी 2528 अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा चुका है। आप कह रहे थे कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनका क्या होगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। बहरहाल इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में अगर कोई कुछ बातें कर रहा है तो वो सिर्फ महज हवा हवाई है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। यह आने वाला वक्त तय करेगा। चलिए अब इतनी चीजें तो आप समझ गए, सिर्फ 60,000 जो है 841 अभ्यर्थियों का फॉर्म जो है वो जो है सॉरी 60,841 अभ्यर्थियों को सीट अलॉटमेंट हुआ है। अगर हम बात करें 233,350 सीटों पर आपका प्रवेश हो रहा है, ठीक है, कितना 233,350 सीटों पर। बट यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आगे हम आपसे कहें तो टोटल जो सीटें नजर आ रही हैं अभी आपके पास 233,000 सीटों के सापेक्ष 172,000 सीटें वर्तमान समय में खाली जा रही हैं। और आप ये कह रहे थे कि जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हमारी हुई है, यहाँ देख भी पा रहे हैं अभी तक की जो टोटल सीटें खाली हैं 172,509 सीटें खाली हैं, जो कि आपके बीच में जो फोर्थ फेज यानी 1,50,000 से 2,40,000 तक का जो शेड्यूल है उसका जो काउंसलिंग है वो वर्तमान समय प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस आंकड़े को, तो आपने देख लिया यहां इतनी सीटें खाली हैं, इसे भी सेकंड फेज के लिए कितनी सीटें खाली रह सकती हैं फर्स्ट फेज में, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने देखा कितनी कितनी सीटें अलॉट हो रही है अभ्यर्थियों को, कितने ऐसे हैं जो काउंसलिंग ही नहीं करा रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड फेज में कितनी सीटें खाली, फर्स्ट फेज में कितनी सीटें खाली रह सकती हैं। अब ये मानकर चला जा रहा है कि 172,000 सीटें फिलहाल के लिए खाली हैं, तो यह पूरा उम्मीद है कि लगभग मैंने आपसे कहा है 1,35,000 1,40,000 सीटें सेकंड फेज के लिए खाली रहेंगे, यानी जिनकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है उनके लिए ये बड़ी अपडेट है, कहीं ना कहीं उनको ये राहत भरी खबर है कि मेरे लिए इतनी सीटें खाली हो रही हैं। अब आप कह रहे थे कि क्या मुझे डायट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहां देखिए डायट के बारे में भी मैंने लिख रखा है कि फोर्थ राउंड में नहीं मिला कोई कॉलेज, ठीक है। आप देखिए यहाँ देखिए डायट की जो सीटें हैं वो 10,600 सीटें हैं, जिसमें 9,089 सीटें जो है वो भर चुकी हैं और 1,511 सीटें जो है खाली रह गई हैं, ठीक है। कितना 1,511 सीटें खाली रह गई हैं। अब सवाल उठता है कि 1,511 सीटों पर वर्तमान समय में जो फोर्थ राउंड का चल रहा है 1,50,000 से 2,40,000 तक, इसमें भी कुछ अभ्यर्थियों को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद किया जा रहा है कि 500 सीटें आपकी खाली रहेंगे। अब आप कह रहे थे कि हम कैसे जान पाए कि 500 सीटें किस डायट की खाली हैं? देखिए इस चीज को जानने के लिए आपको जो है देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कॉलेज एंड जो है अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर जाकर, मैंने विथ प्रूफ के साथ आपके बीच में वीडियो दिया है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो बिल्कुल आप वीडियो की लिस्ट में चले जाइए, वहां पर वीडियो पड़ा हुआ आप देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। हाँ आप इस जो है जो फोर्थ फेज चल रहा है, ठीक है, आप इसमें भी जो है डायट को लॉक कर सकते हैं, और जो सेकंड फेज आपका चलेगा उसमें अगर डायट की सीटें होती हैं चेक कर लीजिएगा। आप कहेंगे भैया चेक करके बता दीजिए, देखिए एक ही मैटर पर यार बार बार अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बहरहाल आप खुद चेक करिएगा, सब कुछ मैंने आपको बताया है, कहीं कोई चीजें मैंने नहीं छोड़ा, इस चीज को आप नोट करिएगा, ठीक है। चलिए इतनी चीजें आप समझ गए कितनी सीटें खाली रह सकती है, अनुमान है कि लगभग 1,35,000 से 1,40,000 सीटें सेकंड फेज के लिए खाली रहेंगी। अब बात करते हैं हम सेकंड फेज काउंसलिंग कब से होगी। मैंने आपसे बताया है सेकंड फेज काउंसलिंग के लिए आप नोट करिएगा कि 26 अक्टूबर से सेकंड फेज की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज 1 अक्टूबर हो भी गया है, 26 अक्टूबर से आपकी सेकंड फेज काउंसलिंग होगी और 10 नवंबर तक आपकी जो सेकंड फेज काउंसलिंग है वो चलता रहेगा। अब आप कह रहे थे कि हम कैसे चेक करेंगे मेरी रैंक कितनी है, रैंक के लिए आप परेशान नहीं होंगे, जैसे प्रथम फेज का शेड्यूल चला था वैसे सेकंड फेज का भी शेड्यूल चलेगा, ठीक है। रैंक के लिए डेट आएगी, इतने रैंक से इतने रैंक तक आप चेक करिए, ठीक है, इतने रैंक से काउंसलिंग इस डेट को होगी, जो है फीस कब जमा करना है सब कुछ प्रोसेस आपको बताया जाएगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा
आप ये कह रहे थे जो है शायद 6 तारीख को आपका रिजल्ट निकलेगा, हम 5000 रुपये का पेमेंट कैसे करें काउंसलिंग के, जो पहले जमा हो रहा है 5000 रुपये वाला, ठीक है। तो आपको 3 तारीख तक 5000 रुपये का पेमेंट करना है, आप 4 तारीख को करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो काउंसलिंग प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए पहले आप पेमेंट कर दीजिए, आप 5 तारीख को भाग लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना जरूर आपको करना है कि 3 तारीख के पहले पहले आपको पेमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, इस चीज को मैंने बता दिया 5000 रुपए का पेमेंट कब करें, मैंने ये भी आपको बता दिया। और जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्हें कॉलेज मिल गया है और जिन्हें नहीं मिला है वो परेशान नहीं होंगे, ठीक है। सॉरी, जिन्हें नहीं मिला है वो परेशान नहीं होंगे। आप कह रहे थे कि अगर मुझे फोर्थ फेज में भी कॉलेज नहीं मिला तो क्या हम सेकंड फेज में जब जाएंगे तो हमें क्या 5000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा फिर से? नो, ऐसा नहीं है, आपका उसी रुपए में हो जाएगा, दोबारा से आपको पेमेंट नहीं करना है। बट इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप अभी कॉलेज अलॉट नहीं किए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को प्रेफरेंस दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करें, आपको कॉलेज 100% मिल जाएगा। हाँ, अभी तक आपने ये भले किया कि आप किसी कॉलेज को चाह रहे तो आप एक का कॉलेज लॉक कर रहे थे, वो बात की बात है, लेकिन कोशिश अब करिए कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को आप लॉक करें, ठीक है, बेहतर होगा आपके लिए, बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं। चलिए, यहां मैंने आपसे बताया 5000 रुपए का पेमेंट कब तक करें, आप कर सकते हैं 3 तारीख तक, और आप एडमिशन की प्रक्रिया जो है 15 अक्टूबर तक भाग ले सकते हैं। 15 अक्टूबर के पहले आपको कंफर्मेशन शुल्क 5000 रुपए जो कॉलेज अलॉटमेंट के रूप में जमा होता है वो जमा करना होगा। फाइनली आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, अलॉटमेंट लेटर के साथ जो भी फीस आपकी है वो फीस लेके चले जाइए, और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, आप लेके चले जाइए, 100% एडमिशन आपका हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, 94-52-33-53 ये नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आप कह रहे थे कि भैया कितना क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। आप ये भी पूछ रहे थे कि सेकेंड फेज जो काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गए उसमें कितनी सीटें बच सकती हैं, तो कम से कम ये अनुमान है कि 35-40 हज़ार सीटें जो है वो डायरेक्ट एडमिशन के भरोसे रह जाएगा, यानी 35-40 हज़ार सीटें डायरेक्ट एडमिशन के लिए खाली रहेंगे। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अब ही से डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, कल मैंने आपको बताया, जैसे आप किसी विद्यालय बहुत सारे कॉलेज की सीटें भर गई हैं, जैसे जो सीटें भर गई हैं जिस कॉलेज में टोटल सीटें भर गई हैं, अगर आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन के लिए पैसा जमा किए होंगे तो अब तो वो कॉलेज वाले कह रहे हो कि अब हम आपका एडमिशन नहीं ले पाएंगे, अब पैसा दें या ना दें वो उनका ईमान धर्म जाने, ठीक है। लेकिन इतना मैं आपसे फिर कहूंगा कि अब इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप किसी भी कॉलेज को 1 रुपया मत दीजिए डायरेक्ट एडमिशन के नाम पर, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन अभी नहीं हो रहा, जब तक आपकी काउंसलिंग होगी कहीं आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। भले ही कॉलेज से आपके नाम कॉलेज अलॉट हो जाए वो बात की बात है, जैसे कॉलेज वाले भी काउंसलिंग आपकी करेंगे, अगर वो कॉलेज मिल गया वो एक के कॉलेज लॉक करेंगे, जैसे आपके पास 5 कॉलेज है तो आप 5 कॉलेज को लॉक करेंगे, आप मेरे किसी भी कॉलेज में चले जाइए, लेकिन खुदा न खास्ता मेरे पास 1 कॉलेज है तो मैं 1 कॉलेज लॉक करूंगा, बाकी अदरवाइज अगर नहीं मिला तो हम आपसे कह देंगे कि कॉलेज नहीं मिला, डायरेक्ट एडमिशन आपसे बहाना कर देंगे कि डायरेक्ट एडमिशन मेरे लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो इसलिए किसी को 1 रुपया ना दे करके आप स्वयं काउंसलिंग कराइए, नहीं तो आपको इसके लिए भुगतना खुद पड़ेगा। अब फोर्थ राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो क्या 5000 रुपया जो है रिफंड होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर फोर्थ राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला तो 5000 रुपया रिफंड नहीं होगा, फिर से आपको सेकेंड फेज के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी सेकेंड फेज में आपको दोबारा से काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा, आप दोबारा से कॉलेज को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहां मैंने आपको बता ही दिया डायट की 10600 सीटों पर इतनी सीटें खाली हैं, इतनी भर गई हैं, आपने इस चीज को देख लिया। तो ये था आज का आंकड़ा, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल आप मुझे अवगत कराएं, हम आपके लगभग हर कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इंतजार कर रहे थे ये आंकड़े का, तो इस इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हुई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।